हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी फ्लोटेशन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉयंसी के बारे में जानते हैं। बॉयंसी होता क्या, यानी देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड ड्यू टू विच इट एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द फ्लूड इस कॉल्ड बॉयंसी। यानी फ्लूड की वह प्रॉपर्टी, यानी किसी भी तरल की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट फ्लूड में डूबी हुई हो उस पर क्या होता है, अपवर्ड फोर्स लगाती हो, वो क्या कहलाता है, बॉयंसी कहलाता है। और बॉयंसी फोर्स के, बॉयंट फोर्स क्या होता है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बताया है। द अपवर्ड फोर्स ऑन इमर्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट जो फ्लूड में डूबी हुई है, यानी किसी भी तरल पदार्थ में अगर डूबी हुई है तो उस पर जो अपवर्ड फोर्स लगता है वही फोर्स क्या कहलाता है, बॉयंट फोर्स कहलाता है, जिसे हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, ऊपर की ओर लगने वाला बल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बॉयंसी किस पे यानी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बॉयंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, यानी फैक्टर ऑन विच बॉयंट फोर्स डिपेंड्स। यानी हमने यहाँ बताया द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज पार्शली और होली इन अ फ्लूड डिपेंड्स ऑन। यानी कहने का मतलब, जो बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है जिस पे, जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट या तो पार्शली डूबा रहता है या फुल्ली डूबा रहता है। पार्शली का मतलब आंशिक, यानी आधा भाग डूबा रहेगा, कुछ आंशिक का मतलब कुछ भाग डूबा रहेगा और भाग क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, यानी ऊपरी सतह पे रहेगा, या पूरी तरह से डूबा रहता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, द वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट का पार्ट डूबा है उसका वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, यानी उस जिस फ्लूड में वो डूबा है उस फ्लूड की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, या नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज ने क्या बताया है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे कहा गया है व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज होली और पार्शली इन अ फ्लूड। यानी जब किसी फ्लूड में कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्सली इमर्ज किया गया हो या डुबाया गया हो, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स ऑफ बायंसी ड्यू टू दैट फ्लूड। यानी फ्लूड की वजह से वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। उसी अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं, अब थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और फिर क्या कह रहा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस बाय इट। यानी उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस बाय इट। यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फ्लूड डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के बराबर होता है दोस्तों। तो यानी यहाँ पे आर्किमिडीज ने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शली इमर्ज करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसकी वजह से, फ्लूड की वजह से। और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो फ्लूड के डिस्प्लेस के वेट के बराबर होता है दोस्तों। अब देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो देखिए। फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल इट इज क्लियर दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली इमर्ज इन अ फ्लूड। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग होली या पार्सली, यानी पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो क्या होता है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगता है ऑब्जेक्ट पे, वर्टिकली डाउनवर्ड। और वो किधर लगता है, अर्थ की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, यानी नीचे की ओर लगता है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हम मेंशन करेंगे, देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रह गई थी,
जो फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन सॉरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ही बारे में था वो क्या है, द बॉयंट फोर्स जिसे हम लोग एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिस्प्लेस फ्लूड, यानी जो बॉयंट फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे जो फ्लूड को डिस्प्लेस कर रहा है एंड इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी वो फोर्स क्या होता है जो क्या होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, एक इससे पहले जो हमने पॉइंट्स बताया था उसमें क्या था वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे जो आपके आगे चल के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों पॉइंट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जानेंगे। यानी हमने यहाँ पे लिखा है कुछ पॉइंट्स, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज टू डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन, यानी जो जहाज हमारी बनती हैं यानी जो पानी में रहने वाले जहाज हैं सबमरीन हैं जो पनडुब्बियाँ बनती हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ही आधार पर बनती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मिल्क की प्योरिटी को मेज़र करते हैं, यानी वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का अगर कोई सैंपल यानी दूध की अगर प्योरिटी मेज़र करना है गुणवत्ता को अगर मेजर करना हो तो हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। ये लैक्टोमीटर किस पे वर्क करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे वर्क करता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, हाइड्रोमीटर्स यूज फॉर डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी हमें किसी भी लिक्विड की अगर डेंसिटी मेजर करनी होती है तो हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, और हाइड्रोमीटर क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे ही वर्क करता है। लास्ट पॉइंट है, वी कैन इजिली डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, यानी हमें अगर किसी भी सॉलिड और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसके बेसिस पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी ये जो पॉइंट्स है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये एप्लीकेशन आपको याद रखना है। अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि कभी कभी एक दो पूछ जाता है कि हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है या लैक्टोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो अगर आपको एप्लीकेशंस पता रहेंगे तब आप ये क्वेश्चंस बता सकेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।